बहुत खुश हूँ कि मराठी फिल्मों को भी एक बहुत बड़ा स्कोप मिल रहा है माशाल्लाह, और श्रेयस प्रोड्यूसिंग द फिल्म, वो एक एक्टर है और मैं समझ सकता हूँ कि एक नीचे से आए हैं वो ऊपर, और उसके बाद उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की है और फिल्म अच्छी जा रही है और अच्छी, मतलब इसको अच्छा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि अच्छा हो रहा है यार, सबका अच्छा होना चाहिए, बॉलीवुड का सबका अच्छा होना चाहिए यार। तो बिग बॉस में आपने काफ़ी अच्छा अपना वो दिखाया था, तो आगे क्या तैयारी आपकी? सर आगे तैयारी ये है कि फ़िलहाल तो अभी मैं थोड़ा सा और अपने आप पे मेहनत कर रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे नहीं आती वो मैं सीख रहा हूँ, और साउथ में तो मेरा काम चल रहा है, अभी पूरी जगन्नाथ की मेरी एक फिल्म सुपरहिट हुई है नितिन के साथ, हार्ट अटैक, तो वहाँ पे तो मेरी विलन की दुकान चालू ही है। यहाँ पे मैं अच्छे रोल करना चाहता हूँ, जो मेरी जनता ने मुझे प्यार दिया है और जो मेरे फैंस ने मुझे अप्रिशिएट किया है कॉमेडी रोल्स, और जो मैंने बिग बॉस में किया है उसमें एक मेरी नई इमेज आई है कि मैं सिर्फ नेगेटिव रोल नहीं, मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ, मैं हीरो भी हूँ, मैं विलन भी हूँ, मैं एक्टर हूँ। तो एज एन एक्टर मुझे जो भी अच्छी, अभी संजय गुप्ता की एक फिल्म मैंने साइन किया है मुंबई सागा, वो फिल्म मेरे लिए बहुत बड़ी फिल्म होगी इंशाल्लाह, और उसमें मेरा बहुत काफ़ी अच्छा रोल है, तो मैं खुश हूँ। बिग बॉस में आपका जो कैरेक्टर था वो काफ़ी प्रचलित हुआ, तो बिग बॉस के कुछ एक्सपीरियंस के बारे में आप बताएं। यार बिग बॉस, अभी बिग बॉस तो 8 आने वाला है, अब लोगों को मेरी कमी शायद महसूस होगी बिग बॉस 7 में, अरे यार कहाँ है भाई, किधर है। मैंने लोगों को सिर्फ इंटरटेन किया है अपना जोकर बना के, बहुत मुश्किल होता है, तो मैं पुरानी स्कूल से हूँ, मैं राज कपूर, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, यहाँ से हूँ। मैंने यार श्रेयस तालपड़े इज़ अ वेरी गुड एक्टर, हमारे बॉलीवुड में वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है, वो भी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो भी फिल्म करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, और कॉमेडी का टाइमिंग भी उसका बहुत अच्छा है, और सीरियस रोल भी अच्छे करता है, इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड अल्लाह ब्लेस हिम, यही मेरी दुआ है कि उनकी हमेशा हर फिल्म चले, वो पोस्टर बॉय के बाद वापस वो फिल्म बनाए वो भी आए अच्छी जाए, सबका अच्छा ही हो यार, तो तुमके कम से कम क्या हो कि लोगों तक अलग अलग फिल्में जाए, क्या है वरना लोगों को यही होता है कि एक किस्म की फिल्में, एक किस्म के हीरो, एक किस्म के विलन, यार पब्लिक का थोड़ा ख्याल करना चाहिए, अलग अलग हीरो, अलग अलग विलन, अलग अलग कैरेक्टर्स, ये सब आना चाहिए लोगों को, तो लोगों को भी मज़ा आएगा। रोज़ रोज़ आपको दाल खिलाऊंगा ना, कसम खुदा की मारोगे आप, इसलिए कभी दाल, कभी भिंडी, कभी सब्ज़ी, कभी चिकन, कभी आलू, कभी गोभी है, कभी मच्छी, कभी तीतर, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और कुछ मैं ये बोलना चाहूँगा कि आजकल दुनिया में जो हो रहा है उसके हिसाब से हमारे मोदी जी भी हमको प्रॉमिस किए थे कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, बस मैं तो यही चाहता हूँ कि मोदी जी प्लीज़ बताइए किसके अच्छे दिन आएंगे, जनता के या फिर नेताओं के, जनता के दिन अच्छा आना बहुत ज़रूरी है। ये सर, ये 3 बंदों की कहानी है जो अचानक एक सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे उनको बिना बताए उनके फ़ोटो नसबंदी के पोस्टर पे छप जाते हैं, तो उसमें से कैसे वो लोग हड़बड़ा जाते हैं और कैसे उसमें से बाहर निकलते, कैसे फाइट देते जस्टिस के लिए, ये पूरी कहानी है पोस्टर बॉयज। आप अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं। जी जी जी, इसमें क्या कॉमिक टाइमिंग हमको दिखेगी? ये आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कॉमिक टाइमिंग किस तरीके की है, किस तरीके का ह्यूमर है, एक फैमिली एंटरटेनर है, सो और इंशाल्लाह गॉड विलिंग ये चल गई, सो वी आर वेरी हैप्पी। ये फैमिली ऑडियंस के लिए सर, सब फैमिली ऑडियंस देख रहे हैं, आज हम लोग उसका सक्सेस सर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सारी फैमिलीज, बच्चे बूढ़े सब देख चुके हैं, तो उनको बहुत पसंद आ गई है। बहुत खास सर, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, और इसके बाद इंशाल्लाह अगर इस फिल्म ने काफ़ी हिम्मत दी है तो और भी फिल्में करने का सोचा है। सर ये पूरी फिल्म ही मेरे लिए बहुत खास है, सो आज जब ये लोगों ने इतनी सराही है, जब इतनी अप्रिसिएशन मिला है, तो ये मोमेंट बहुत खास है, और इसीलिए आज हम इस मोमेंट को सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। जी एग्जैक्टली, तो मतलब ये जो जिन दोस्तों के यू नो ब्लेसिंग से, गुड विशेज से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, तो बिल्कुल बनता है कि ये मोमेंट जो खास है हमारा वो सबके साथ सेलिब्रेट किया जाए। कोशिश है, इनफैक्ट सबका कहना ये है कि ये सब्जेक्ट काफ़ी यूनिवर्सल है पोस्टर बॉयज़ का, इसको हिंदी में भी करना चाहिए, तो सोचा है, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे, हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा आराम से बैठ के स्क्रिप्ट लिखेंगे फिर करेंगे। क्या मराठी में बड़े-बड़े फिल्में बनती हैं आपके द्वारा? नहीं, बिल्कुल बनने लगी है, क्योंकि ऑडियंस अब ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो ऑडियंस बढ़ेगी, वैसे बजट भी बढ़ेंगे, और अच्छी अच्छी नई नई सब्जेक्ट्स पर फिल्में बनेगी।
अभी इसके बाद नवंबर में मेरी बात आज नाम की एक फिल्म आएगी और उसके बाद अगले साल बाजी, दो फिल्में। थैंक यू जी। मुझे एक्चुअली इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे ख्याल से मैंने 25 ऐसी सक्सेस पार्टियां अटेंड की होंगी, लेकिन पता नहीं इसमें शायद इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल मुझे लग रहा है क्योंकि श्रेयस और दीप्ति मेरे लिए वो क्लीशेड वाला फिल्मी सा लगता है जब कहते हैं हम लोग कि ये हम लोग अक्सर सुनते हैं कि परिवार है, फैमिली है, लेकिन दीप्ति मुझे, श्रेयस की वाइफ जो है दीप्ति, वो मुझे भैया बोलती है और शुरुआत से हम लोग जुड़े हैं कि हम लोग एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं और ये है लाइन और ये पोस्टर बॉयज, अब हम लोग शूट करेंगे, फिर हम लोग गए और मैंने एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस किया, अश्विनी ने एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस किया, तो इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि मैं एक्चुअली शायद बयान नहीं कर पा रहा हूँ। बट एक बात तय है कि श्रेयस और दीप्ति के लिए आई एम श्योर दिस इज जस्ट द बिगिनिंग और इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारी सक्सेस पार्टियां होंगी। मैंने मराठी में मेरे ख्याल से 4 या 5 फिल्में की हैं। मकरंद की जो उससे पहले रिलीज हुई थी सैटरडे संडे, फिर पोस्टर बॉयज, फिर नितिन दादा ने, नितिन देसाई की एक फिल्म थी आई थी अजिंठा, फिर एका शब्दात सांगतो, जय हिंद और विजय असो, मेरे ख्याल से 5 या 6 फिल्में हो गई और मुझे दिक्कत नहीं होती क्योंकि मुझे भाषाओं का बहुत शौक है। जैसे पापा यूपी के हैं, मम्मी आंध्रा की हैं, तो मैं तेलुगू अपनी फिल्में खुद डब करता हूँ और खुद रहा हूँ मुंबई में, तो मुझे मराठी में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो, खूब एकदम स्पष्ट स्वच्छ मराठी बोलता हूँ। तो मुझे जैसे तमिल, मैं स्कूल में जब जाता था SIWS में, तो मैं तमिल एक कंपलसरी सब्जेक्ट था, तो मैं तमिल बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, तो मुझे बहुत शौक है भाषाओं का, तो मराठी फिल्मों से और एक लगाव भी है क्योंकि कुछ ऐसी कमाल की मराठी फिल्में देखी है मैंने। और जैसे मैंने कहा कि अभी महेश मांजरेकर साहब की काकस्पर्श एक बहुत प्यारी फिल्म थी मराठी में, उसको हिंदी में बना रहे हैं, तो एक कमाल का लगाव है, मुझे बहुत मजा आता है एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू डू सम मोर मराठी फिल्म। श्रेयस के साथ आपने गोलमाल में काम किया जी, कैसी केमिस्ट्री रही उनके साथ? जैसा मैंने कहा कि हम लोग जिस दिन हम सबकी शूटिंग नहीं होती, काम नहीं होता, हम लोग एक दूसरे के घर पे होते हैं, इतना एक एक्चुअली फैमिली टाइप सा कुछ है और हम लोग जब भी नहीं होता तो क्या कर रहा है श्रेयस, दीप्ति काय करते हैं, तो और हम लोग यूजुअली एक क्वाइट सा डिनर, भले फिर पार्टी ना हो लेकिन एक डिनर टाइप सा हम लोग श्रेयस के घर पे मिल लेते हैं, तो वो अक्सर होता है, महीने में शायद महीने 2 महीने में एक बार हो जाता है। जी मैं जी मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि रोहित सर के साथ कुछ अजीब सा मेरा एक कनेक्ट है, एक अजीब सा इक्वेशन है, और अजय भाई एक ऐसे सुपरस्टार, एक ऐसे कमाल के अभिनेता हैं जिनके साथ मेरे ख्याल से मैंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा काम अगर किया है किसी स्टार के साथ मैंने, तो अजय भाई के साथ मेरे ख्याल से 7-8 फिल्में की हैं मैंने, अगर याद हो मुझे, अपहरण, धमाल, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल, सिंघम, संडे, तो इतना काम किया मैंने उनके साथ। और जैसा मैंने कहा पोस्टर बॉयज़ के लिए मुझे एक्चुअली बयान करना नहीं आ रहा कि मैं कैसे क्या करूं, मुझे लग रहा है कि मैं बाहर जाके नाचूं कि अरे बॉस सिंघम रिटर्न्स, भले मैं नहीं हूं लेकिन एक इमोशनल कनेक्ट है कि सिंघम रिटर्न्स 100 करोड़ और बहुत 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 खुशी। अभी 12 सितंबर को शायद देसी कट्टे रिलीज होगी जो लास्ट आनंद सर ने बताया था, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि महेश मांजरेकर साहब की काकस्पर्श हिंदी में रीमेक हुई है, वो डबिंग शुरू करूँगा, रेमो सर के साथ कुछ शुरू कर रहा हूँ ABCD2 इंशाल्लाह, फिर अमर मस्ट डाई, रेमो सर ने एक प्रोड्यूस की है फिल्म जो एक इंग्लिश फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है वो है, फिर स्नाफू करके एक फिल्म है अभय देओल के साथ, नीरज पांडे, नीरज सर के साथ कुछ शुरू कर रहा हूँ, सो दिस लॉट ऑफ गुड वर्क हैपनिंग इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। We'll be right back.
Bye.